Hello class, today we are going to discuss about the Frank Condon principle. Frank Condon principle is related to the absorption spectroscopy. That means generally हम इसे UV visible spectroscopy में study करते हैं, यानी electronic transition से related है ये. तो Frank Condon principle start करने से पहले it is also related to the vibrational spectroscopy. तो हम सबसे पहले recall करते हैं vibrational spectroscopy, यानी vibrations किस तरह से होती हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि जब आईआर रेडिएशंस यानी आईआर रीजन की रेडिएशंस किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट होती हैं, वाइब्रेशन होना स्टार्ट होता है. तो सपोज़ जैसे हमारे पास ए और बी कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिस ए और बी जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है. तो ये ए बी और ये इनके बीच का जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब कि इनके बीच का बॉन्ड लेंथ है, ठीक है. जब आप इसे आई आर रीजन की रेडिएशंस पास करना स्टार्ट करते हो, यानी इतनी एनर्जी देते हो कि इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, तो जनरली वाइब्रेशन ए आपका फिक्स है, बी में वाइब्रेशन हो रहा है, बी जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहा है. तो जैसे आपने एनर्जी दी, बी जो है बी डैश बी डबल डैश पे पहुंचा, इस तरह से वाइब्रेट हुआ. फिर थोड़ी एनर्जी और दी तो ये और वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ, और एनर्जी दिया तो और वाइब्रेट होना स्टार्ट किया. इस तरह से एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक वाइब्रेट करता है, और अगर आपने उससे ज़्यादा एनर्जी दिया तो मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी बॉन्ड जो है आपका ब्रेक हो जाता है और मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है. दैट इज़ द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. दैट मीन्स कि जब हम आई आर रीजन की रेडिएशंस किसी भी मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल को देते हैं तो उनमें या तो हार्मोनिक और अनहार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, यानी वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं. तो जैसे जैसे आप एनर्जी इंक्रीज करते जाते हो उनमें वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ती जाती है. तो आप यहाँ पे देखो, जब वाइब्रेशन बढ़ रही है, ये जो पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रहा है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है. यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, दैट इज द वाइब्रेशन. लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को हम यूवी रीजन की रेडिएशंस पास करना स्टार्ट करें, यानी यूवी रेंज की रेडिएशन, आप इसमें यूवी और विजिबल रेडिएशन अगर हम पास करें, तो उसमें क्या होता है कि यूवी विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, यानी वाइब्रेशंस के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होता है. हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जब होता है तो उसके साथ साथ वाइब्रेशनल वाइब्रेशंस भी होती हैं और रोटेशंस भी होते हैं. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ए बी मॉलिक्यूल में, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू यूवी विजिबल रेडिएशंस उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से, ये आपका ई जीरो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड एनर्जी लेवल, और ये है आपका ई वन जो कि है आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशन लेवल्स हैं. क्योंकि इनमें वाइब्रेशंस हो रहा है तो इनको हमें कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये ऊपर एक्साइटेड एनर्जी लेवल है जिसके वाइब्रेशन लेवल को हमने कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. तो जब आप इसे यूवी रेंज की रेडिएशंस यानी यूवी विजिबल रेडिएशन आप किस मॉलिक्यूल को देते हो तो वाइब्रेशन के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका वी प्राइम जीरो, वी प्राइम वन, वी प्राइम टू, किसी भी लेवल में हो सकता है. दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. वन एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में किसी भी वाइब्रेशन लेवल में मॉलिक्यूल जो है वो जंप कर सकता है. इतना हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. नाउ फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल में हम क्या डिस्कस करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी मॉलिक्यूल को हम इतनी एनर्जी देते हैं कि उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और अगर उसी मॉलिक्यूल को हम यूवी विजिबल रेडिएशन पास करें तो वाइब्रेशन के साथ साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो उसके साथ साथ उसका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल को एनर्जी दे रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ उसका, क्योंकि वाइब्रेशंस भी हो रहा है तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा. तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि दो केसेस हो रही हैं.
फर्स्ट केस क्या है कि जब हम मॉलिक्यूल को में वाइब्रेशंस हो रही हैं, जब हमने मॉलिक्यूल को यूवी विजिबल रेडिएशन पास किया, ये हमने यूवी विजिबल रेडिएशन मॉलिक्यूल को दिया, तो ये आपका ए बी मॉलिक्यूल है सपोज, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ग्राउंड एनर्जी लेवल, ये आपका ग्राउंड एनर्जी लेवल है और ये आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, तो वो ग्राउंड एनर्जी लेवल से एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जंप करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके इसके इलेक्ट्रॉन्स जंप करके बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर जो है वो एक्साइटेड होंगे और जंप करेंगे, तो वो जहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी मैच कर जाएगी वो वहाँ पे रीच कर जाएंगे। जैसे यहाँ से वी जीरो से एक्साइटेशन हुई और वो कहाँ पे जा करके जंप किया उसने, वी प्राइम थ्री में, यानी थर्ड एनर्जी लेवल में। तो इसकी जो एक्साइटेशन हुई वो जीरो से थर्ड एनर्जी लेवल में हुई, यानी ग्राउंड एनर्जी लेवल में वो जीरो पोजीशन पे था, जीरो वाइब्रेशन लेवल पे, लेकिन एक्साइटेड एनर्जी लेवल में वो थर्ड वाइब्रेशन लेवल पे चला गया। ठीक है, तो एक तो सिचुएशन ये बनी। अब इसमें देखो कि ये जो मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है, इसमें यहाँ पे ये वाला जो कर्व है और इस वाले कर्व में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है। दैट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रहा है, और वाइब्रेशन हो रहा है इसका मतलब कि उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, बट दूसरी सिचुएशन एक हमारी और बनती है। ये इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल है दैट इज ई नॉट, और ये आपका एक्साइटेड एनर्जी लेवल ई वन, आप क्या देख रहे हो कि जब आप उनको यूवी रेडिएशंस देना स्टार्ट करते हो तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल के, लेकिन उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो आप वाइब्रेशंस जो है वो सेम इंटेंसिटी से हो रही है, यानी उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक सिचुएशन ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेंज हो गया, बट दूसरी सिचुएशन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के साथ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगता है कौन सा ज़्यादा सही है? हमारे अकॉर्डिंग ये सिचुएशन ज़्यादा सही बैठता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहा है, वाइब्रेट करेगा तो उसका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी चेंज होगा, और ऑब्वियसली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो ये जो आपका कर्व है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा हायर इलेक्ट्रॉ डिस्टेंस की तरफ। और दूसरे में क्या हो रहा है कि ट्रांजिशन तो हो रही है लेकिन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमें क्या लग रहा है कि ये सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। बट अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यानी कि जब हम उसे यूवी रेंज की यू विजिबल रेडिएशन देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि जब तक इलेक्ट्रो न्यूक्लियस जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी जो वाइब्रेशन हो रहा है, एक वाइब्रेशन से जब वो स्ट्रेच होके रिलैक्स होता है, इतनी देर में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करके वापस रिटर्न भी आ जाता है। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, यानी जब वो ग्राउंड लेवल से हायर लेवल में जाता है, तो वो उतनी फास्ट ट्रांजिशन करता है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है यानी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो रही है, जब वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग होगी रिलैक्स करेगा, इस टाइम ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर लेवल से वापस ग्राउंड लेवल में रिटर्न हो जाता है। यानी कि जब तक एक वाइब्रेशन पूरा हुआ उतनी देर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके वापस भी आ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे चेंज होने का टाइम ही नहीं मिलता। इसका एक रीजन ये है कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस होता है जिसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली काफ़ी हैवी होते हैं। ठीक है, तो जब तक जो आपका न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती, उतनी देर में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके रिटर्न बैक भी आ जाता है अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल में।
ठीक है, तो जो हमें पीक्स मिलती हैं वो जनरली इस तरह से पीक मिलेंगी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हुआ है उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में, यानी जो आपके एटम का जो बीच का जो डिस्टेंस है यानी जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, यानी न्यूक्लियस हैवी होने की वजह से वो ना कोई मूवमेंट शो करता है और ना ही उसमें कोई मूवमेंट होती, ना ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो जीरो टू जीरो ट्रांजिशन हो रहा है। अब ये जीरो टू जीरो ट्रांजिशन क्यों हो रहा है? जीरो से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्राइम वन में भी जा सकता था, वी प्राइम टू में भी जा सकता था, वी प्राइम थ्री में भी, किसी भी लेवल में जा सकता था, क्योंकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे कि जब ये ट्रांजिशन होता है तो वी से वी नॉट पे जाने पे इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मैच कर जाती है, इंटेंसिटी मैच करती है, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी वी से वी डैश पे जाएगा। ठीक है, सेकेंड लेवल पे देखोगे जो वाइब्रेशंस की फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो जो हमें इंटेंस पीक मिलेगी वो जीरो से जीरो लेवल पे मिलेगी, यानी हमें यहाँ पे इंटेंस पीक मिलेगी और इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जो जीरो टू थर्ड ट्रांजिशन हो रहा है, हम हायर लेवल को पहले लिखते हैं, लोअर लेवल को बाद में लिखते हैं, यानी इस तरह से हम लेफ्ट डायरेक्शन से पढ़ते हैं, जीरो टू थर्ड लेवल, जीरो टू जीरो लेवल। तो जीरो से थर्ड, इस वाले में जीरो से थर्ड में जब आप ट्रांजिशन देखोगे तो ये जाकर के प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैच कर रही है, इसका मतलब जो इंटेंस पीक मिलेगी हमें वो थ्री टू जीरो पे मिलेगी। बट यहाँ पे क्योंकि आपको फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियस को अपनी पोजीशन चेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल हमारा ये सिचुएशन ज़्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू दिस। अब हम आते हैं एक्चुअली में फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल कहता क्या है। फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल फॉर द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस विच अकर मोर क्विकली देन द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इतना स्पीड में होता है कि जो न्यूक्लियाई का वाइब्रेशन पीरियड है वो पूरा होता नहीं है, उतनी ही देर में इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल में वापस पे आ जाता है। इसका रीजन क्या है? एज दे आर हैवियर कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रॉन से काफी हैवियर होते हैं। सेकंड, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल स्टेट दैट एज इलेक्ट्रॉन मूव वेरी मच फास्टर देन न्यूक्लियाई द न्यूक्लियाई एज इफेक्टिवली स्टेशनरी ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइम पे जो न्यूक्लियाई है वो स्टेशनरी होता है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जनरली जो टाइम रिक्वायर्ड होती है वो 10^-15 सेकेंड, यानी वो सिर्फ 10^-15 सेकेंड टाइम लेता है ट्रांजिशन के लिए, यानी इतनी स्पीड में ट्रांजिशन होता है कि न्यूक्लियाई को वाइब्रेशंस करने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इज इफेक्टिवली इंस्टेंटेनियस, द न्यूक्लियाई डू नॉट हैव चेंज टू मूव, द ट्रांजिशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल एरो ऑन द डायग्राम। जो हम ट्रांजिशन यहाँ पे शो कर रहे हैं एक वर्टिकल एरो से शो कर रहे हैं, जिसमें आर क्या है, आर इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, आर डज नॉट चेंज, आर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ पे होता है? इस प्रिंसिपल को हम जनरली यूज़ करते हैं, द प्रिंसिपल इज यूज टू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रा। अब ये वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रा क्या है? वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रा इज मेड अप ऑफ टू टर्म, वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रोनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के साथ साथ हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी मिलता है। तो जनरली हम इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीरो टू जीरो पे हमें ज़्यादा इंटेंस पीक मिलेगी एज कम्पेयर टू वन, जीरो टू वन, जीरो टू टू, जीरो टू थ्री, यानी हम पीक्स की इंटेंसिटी की स्टडी कर सकते हैं कि किस वाइब्रेशनल लेवल पे हमें ज़्यादा इंटेंस पीक मिलेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल।
ठीक है, तो फ्रैंक कॉन्ड, मैं एक बार और आपको बता दूं, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो साथ ही साथ वाइब्रेशनल वाइब्रेशंस भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन इतना स्पीड में ट्रांजिशन करते हैं, यानी ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में वो इतनी स्पीड में जाकर वापस आते हैं कि न्यूक्लियस को वाइब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिलता, यानी न्यूक्लियस का जो पोजिशन और जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। और न्यूक्लियस की वेलोसिटी और पोजीशन चेंज ना होने की वजह से जो एटम्स हैं ए और बी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, यानी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, वो चेंज नहीं होता है। दैट इज द फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।